हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमाचल की शान न्यू प्रेम बस सर्विस में। न्यू प्रेम बस सर्विस, इसको आप लोगों ने एक ना एक बार ज़रूर देखा होगा या सफ़र तो किया ही होगा। अमूमन न्यू प्रेम की गाड़ियाँ रेड और येलो कलर में एक वाटरफॉल डिज़ाइन के साथ आती है, लेकिन आज हम आपको जिस गाड़ी के साथ मिलवाने वाले हैं या जिस गाड़ी को आपको दिखाने वाले हैं, वह गाड़ी न्यू प्रेम ही नहीं पूरे हिमाचल की सबसे अलग गाड़ी है। जी हाँ, इस तरह की डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ तो आपको बेशक देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा सेम टू सेम पेंट हिमाचल में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की शान न्यू प्रेम की लोकल क्वीन 2525 या फिर 2525 की। हरगोविंद के द्वारा बनाई गई यह गाड़ी कांगड़ा से बैनाथ और धर्मशाला से पालमपुर लोकल रूट के लिए चलाई जाती है। आइए, इसमें हम लोग छोटा सा सफ़र भी करेंगे और इस गाड़ी को आपको दिखाएंगे भी। इस गाड़ी के उस्ताद संजू जी, जो कि अभी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, इनके साथ आज हमारा सफ़र होने वाला है और इसमें एक अलग सा लुक दिया गया है। साथ में नॉर्मल पेंट वाली न्यू प्रेम भी खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये कुछ अलग ही गाड़ी है जिसको बस अड्डे पर देखकर लोग देखने आते हैं कि ये है तो न्यू प्रेम ही ना, लेकिन हाँ, ये है न्यू प्रेम ही, बस एक अच्छे और बेटर लुक में। चलिए, अभी कांगड़ा से रवाना होने का समय आ चुका है। धीरे धीरे हमारी 2525 अपने गंतव्य स्थान पालमपुर की ओर चल रही है। यह गाड़ी शुरू से ही इसी रूट पर चलाई जाती है, कांगड़ा पालमपुर धर्मशाला। यह दिन के 4 या 5 फेरे लगाती है। सभी का समय आपको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम मेन टाइम टेबल आपको मेन एक फेरे का बता देंगे इस वीडियो में, जिसको आप लोग अगर सफ़र करना चाहें इस गाड़ी में तो आप ज़रूर एक ना एक बार करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ फिर शेयर करें कि आपको इस गाड़ी में सफ़र करना कैसा लगता है। यह गाड़ी वैसे तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो इसकी सीटिंग है वो एच सीटिंग है, नॉर्मल जैसी ऑर्डिनरी बसेस की होती है। फिलहाल कांगड़ा से ये गाड़ी जा चुकी है, अब हम चलते हैं इसके अंदर। अशोक लेलैंड की यह 2014 मॉडल गाड़ी लगातार 7 सालों से आप लोगों के लिए सेवा में उपलब्ध है। यह गाड़ी रोजाना कांगड़ा पालमपुर धर्मशाला लोकल रूट पर ही चलाई जाती है, लेकिन कभी कभार इसको किसी और रूट में इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग रूट में ये गाड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अभी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दिन में कई फेरे लगाती है, तो ज़्यादा लंबा टाइम टेबल ना खींचते हुए सिंपली आपको बता दें कि यह गाड़ी धर्मशाला से सुबह 7:25 पर चलती है और कांगड़ा 8:05 पर पहुँच जाती है, और 8:08 पर कांगड़ा से धर्मशाला के लिए रवाना हो जाती है। वहीं वापसी में धर्मशाला से 9:18 पर आती है और कांगड़ा 11:10 पर पहुंच जाती है। वहीं कांगड़ा से 12:25 पर चल के पालमपुर 1:45 पर पहुंचती है, और वहां से धर्मशाला के लिए 2:15 पर रवाना होती है, और धर्मशाला से 4:15 पर चलती है और कांगड़ा 5:05 पर आके पहुँच जाती है। वहीं लास्ट ये कांगड़ा से 5:12 पर चलती है और धर्मशाला 6 बजे पहुंच जाती है। वैसे तो इसके कुछ और भी रूट हैं बीच में 1-2 फेरे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अभी आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक वीडियो तो हम बना देंगे, जिसमें आपको पूरा वाया वाया रूट भी बता दिया जाएगा। फिलहाल तो ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, जिसमें आपको गाड़ी को दिखा रहे हैं और इसके रूट, जहाँ से ये गुजरती है वहाँ के रोड, और थोड़ा सा गाड़ी का इंटीरियर। बस यही है आज की वीडियो का मेन मकसद। चलिए, अब आप हमारी वीडियो को इंजॉय कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर लें। वैसे तो कांगड़ा पालमपुर धर्मशाला एक लोकल रूट है, लेकिन यह गाड़ी जो है लोकल रूट में भी काफ़ी अच्छी स्पीड में चलती है। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो लोकल रूट की गाड़ियाँ कोई भी नहीं दौड़ती, लेकिन इसका जो लोकल रूट है वो काफ़ी लंबे फेरे वाला है, यानी एक फेरा लगा के कुछ ही टाइम में वापस आना होता है, फिर दोबारा जाना होता है, फिर रोड चेंज करके दोबारा जाना होता है।
इसलिए टाइम को मेंटेन रखने के लिए इन्हें अच्छी स्पीड और पंचुअलिटी देना पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी भी बस अड्डे में अगर आपको गाड़ी नंबर 2525 इसी रूट पर जाते हुए दिखे और आप सोचें कि यह तो लोकल रूट है, ज़्यादा नहीं दौड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें बैठें, यह गाड़ी आपको पूरे टाइम से ही पहुँच जाएगी और हो सकता है लॉन्ग वाले टाइम से भी कम टाइम लें। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गाड़ी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।